टोटल कितने पपीज एक बार फिर से बता दीजिए। अभी फिलहाल 5 पपी अवेलेबल है, 5 पपीज है ना, और 1 मेल, 1 मेल और 4 फीमेल, 4 फीमेल ना। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कितने ज्यादा सुपर एक्टिव और कितने ज्यादा बदमाश है सब। देखिए 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 मेरे गोदी में ही मेरा बहुत एक्टिव है। तो भाई फिलहाल कितना एज हो रहा है लोग का? ये आज के डेट में बहुत प्यारी हस्की है। तो भैया इसके बारे में बताइए। ये मेरा पहले वाला हस्की है। अच्छा, इसका 3 इयर्स अभी जस्ट क्रॉस हुआ है। 3 इयर्स हो गया ना। हाँ, मैंने एक क्वेश्चन है जो 3+5 एडल्ट है, तो लाइक इस हॉबी में आप कैसे और इतने सारे डॉग कैसे हो गया? देखिए ये थोड़ा हॉबीज में ही हो गया। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज हम लोग बहुत एक शानदार जगह पाए। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे हस्की के बच्चे हुए। तो सबसे पहले वेलकम भैया, और अपना नाम बता दीजिए थोड़ा सा व्यूअर्स को। मेरा नाम कृषानु विश्वास है। और लाइक आपका लाइक एड्रेस थोड़ा सा बता दीजिए। एड्रेस है ये मध्यम ग्राम, कलकत्ता का नियर ही है। लाइक आपके पास कौन से डॉग है? लाइक मेरे पास अभी एट प्रेजेंट फिलहाल हस्की का पापी है। मेरे पास 2 हस्की एडल्ट है फीमेल, और ब्रीगल है 3, एक मदर है और उसका 2 बेबी है। तो वो तीनों ही एडल्ट है। लाइक ये तो लाइक आपका हॉबी आपने शौक में ही रखा है ना, तो इसीलिए पूरा शौक ही है पूरा। तो इसलिए वो शौक ही है, कोई ट्रेडिंग बा कोई बिजनेस मेंटेलिटी बा कोई प्रोफेशनल ब्रीडिंग मेंटेलिटी से हमने ये सब नहीं लिया, बस शौक से आपने रखा है। तो इसको मैंने आप लोग होम ब्रीडिंग बोल सकते हैं, क्योंकि शौक से प्योरली होम ब्रीड, प्योरली होम ब्रीड है ये। तो आपको दिखाएंगे एक एक करके सारे बच्चे। तो पहले एडल्ट दिखा देते हैं आपको, मदर और जो भी है, और उसके बाद सारी डिटेल्स में बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, चलिए एक एक करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले गाइस आप लोग देख सकते हैं बहुत प्यारी हस्की है। तो भैया इसके बारे में बताइए। ये मेरा पहले वाला हस्की है। अच्छा, इसका 3 इयर्स अभी जस्ट क्रॉस हुआ है। 3 इयर्स हो गया ना। हाँ, तो मेरा सभी हस्की को एक बार ही मीटिंग हुआ है। अच्छा, दोबारा मीटिंग अभी तक नहीं किया, क्योंकि हम प्रोफेशनल ब्रीडर नहीं है इसीलिए। अच्छा, एकदम। क्योंकि मेरे पहले मेरा मदर का हेल्थ के बारे में पहले सोचना है, उसके बाद ब्रीडिंग करना है, ब्रीडिंग के बाद पापी का हेल्थ। ये तो पूरा उलीकोट में आप लोग दिखा सकते हैं। हाँ, ये प्योरली उलीकोट है, बहुत प्यारी है, ब्लू आईज में, और 3 साल के जैसे भैया ने बताया, और एक बार ही इसका ब्रीडिंग हुआ, उसके अभी तक लाइक रेस पीरियड में चल रहा है। भैया फिलहाल आप रोजी को क्या फीड करते हैं, बाकी डॉग्स को भी? हम ज़्यादा कोशिश करते हैं होम फीड के लिए, होम फीड के लिए। और होम फीड में हम चिकन तो मस्ट रखते हैं, चिकन के साथ राइस और वेजिटेबल। सब वेजिटेबल हमने नहीं देते हैं, दिन में पर डे 1 वेजिटेबल ऑल्टरनेट वाइट दे रहा है, जो भी सीजनल वेजिटेबल। हाँ, बहुत सारा कस्टमर और लोगों को एक दिमाग में एक चीज़ ठान के बैठा है, हस्की है तो ऐसी है, 4x7 जो जिस लोग ने बोलता है कि हस्की के लिए ऐसी है। हाँ, वो पूरा झूठ है, झूठ है, पूरा झूठ है। लाइक और आपको खुद देख रहा है एकदम, माने लेकिन अगर जिसके घर पे एसी नहीं है उन लोग को तो लाइक हस्की नहीं रखना चाहिए ना? नहीं रखना चाहिए, इसीलिए कि हमारा ये पे कलकत्ता का जो वेदर है, वेदर जो फ्लैक्चुएट होता है, तो उसमें दिन में 2-3 घंटा 4 घंटा एसी का ज़रूरत पड़ता है, इसीलिए एसी होना मस्ट है, लेकिन 24x AC चलाना वो मस्ट नहीं है। ये गलत बात है, वो मस्ट नहीं है, एसी होना मस्ट है, ज़रूरी है। तो मैंने इन शॉर्ट ये लाइक कोई अगर हस्की ले रहा है तो सबसे पहले उसको देखना पड़ेगा वो इंडिया का किस इलाके से आ रहा है। वो मैंने अगर आपके उधर टेम्परेचर 30+ जा रहा है तो एसी आपको ज़रूरत है, है। एक दिन में 2-3 घंटा, रात को जो चलता है चलता है। अगर आप कोई हिमालय लाइक उत्तराखंड उस साइड में, तो आपको एसी का ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ आप पहले समझ लीजिए, आप किधर से, पहले वो देखना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा भैया से। तो भैया एक बार अपना नंबर बता दीजिए, लाइक कोई अगर कॉन्टैक्ट करना चाहे हस्की के लिए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 6291703588, और दूसरा एक कॉन्टैक्ट नंबर है 8910965181। और ये जो आप जो हमारा घर में जो हस्की या ब्रिगेल जो भी देख रहा है, ये हमने से पहले मेरा जो बीवी है वो उसको बहुत क्लिक टेक केयर करता है 24x7। एक पेट्स को आपको घर में लेना है तो आपका घर को राजी होना है, घर में जो आदमी घर में रहते हैं उसके पास से ये बॉन्डिंग
क्योंकि हम बाहर में काम करते हैं, हम तो 24/7 इसको तो देख नहीं पाते। मेरा जो बीवी है, वाइफ है, मेरा फैमिली मेंबर है, वो सब वे टेक केयर करता है। मींस बेसिकली लाइक ये एक रिस्पांसिबिलिटी है, ये रिस्पांसिबिलिटी है, क्योंकि देखिए आपका घर में एक बच्चा जब आता है सभी को एक रिस्पांसिबिलिटी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। एक पापी के भी लिए ये सोचना चाहिए एकदम। तो भैया आपका जो फर्स्ट डॉग था वो कौन था? वो मेरा एक ब्रीगल था। ब्रीगल था ना, ये फर्स्ट डॉग है ना, ये मदर है और ये दोनों उसका डॉटर है। तो तीन डॉग है ना। तो मैंने एक क्वेश्चन है, जो तीन प्लस टू फाइव एडल्ट है, तो लाइक इस हॉबी में आप कैसे और इतने सारे डॉग कैसे हो गए? देखिए ये थोड़ा हॉबीज में ही हो गया। अच्छा। क्योंकि हमने उस जब फर्स्ट टाइम ब्रिगेल लिया था, हाँ। तो ब्रिगेल लेने के बाद वो इतना बिजी था, तो उसके बाद हमने उसको डॉक्टर ने बोला कि आप 2 साल के बाद एक मेटिंग कर दीजिए, हाँ। तो हमने मेटिंग किया, तो मेटिंग के बाद ये तीनों पापी आया था, हाँ। तो दो फीमेल और एक मेल, तो मेल को हमने एक बाद में आया था मेरा बगल में नियर बाई था, तो वो लिया है। और एक फीमेल मेरा जो बीवी है वो खूब इमोशनल टच्ड हो गया था इसको पापी को सब कुछ टेक केयर करने के लिए, हाँ। तो उसी टाइम ने सोचा था कि एक फीमेल हमने रखेंगे और दूसरा जो फीमेल था तो वो फीमेल डॉग ओनर का था। अच्छा। तो डॉग ओनर ने मेरे पास लेके एक कैनल में भेज दीजिए, भेज दिया। अच्छा। तो हमने जब वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आया और हमने जब गया तो हमने देखा कि मेरा पपी वहाँ पे केज में अटका हुआ था और बहुत सारा पपी वहाँ पे था, डॉग था, सब केज में विदाउट केजिंग कोई भी डॉग नहीं था। दो रूम पे मतलब 15-20 डॉग केजिंग करके रखा है, छोटा छोटा केज। तो ये देख के मेरा दिमाग गर्म हो गया था। हमने उसी टाइम डॉग ओनर को फ़ोन किया और बोला कि मैं मेरा पपी लेके जाऊंगा, आप किस रेट में ये पपी आप सेल किया है वो मेरे को बोल दीजिए, हम वो पैसा आपको रिटर्न करके मैं पपी लेके जाऊंगा। तो पहले वो राज़ी नहीं हुआ था, तो उसके बाद हमने उसको बहुत समझ गया, मेरा बीवी भी उसके साथ बात किया, उसके बाद वो मेरे पास एक अमाउंट बोला, हम उसी टाइम वो अमाउंट पे करके दूसरा जो डॉटर था लूसी का उसको भी लेके आया, उसको भी लेके आया। और ऐसा करके मेरा तीन ब्रिगल हो गया। और हस्की, लाइक हस्की भी ऐसे हस्की मतलब मेरा जो बड़ा जो हस्की है तो वो इतना लेजी था, तो उसको चार्म करने के लिए दूसरा एक को लेके आया, लेकिन दूसरा एक को भी मेरा जो छोटा वाला हस्की जो जिसका पपी अभी अवेलेबल है, तो वो लेके आने के बाद भी उसका लेजीनेस ने मैंने कटा नहीं पाया। तो ऐसा करके मेरा शौक में ही हो गया पाँच। और मेरा एक पुराना वाला एक गोल्डन स्पीच था। अच्छा। वो अभी फिलहाल उसका एज है 14 ईयर्स। 14 ईयर्स। तो वो अभी फिलहाल अभी भी है, वो डॉग है, वो भी इसके साथ रहते हैं, इन लोगों के साथ रहता है। एडल्ट मेरे पास, मेरे घर में 6 एडल्ट डॉग है। जो पपीज हुए थे उनकी मदर ये है, ठीक है। और भैया जो फादर था उसका फोटो आप मुझे भेज दीजिएगा, हाँ। उसका फोटो भी मैं यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली डिस्प्ले कर दूंगा। तो सबसे पहला जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो बहुत कोई को आपको पता भी होगा जो फर्स्ट टाइम पेट पैरेंट्स हैं उनको नहीं पता है, तो जब एक डॉग या कोई भी इंसान कोई भी मदर बनता है तो उसका शरीर लाइक थोड़ा सा गिर जाता है या थोड़ा सा मोल्डिंग पीरियड में आ जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ हो रखा है। तो पहले का इसका जो फाड़ है ये 90% ऑलमोस्ट 90% इसका मोल्ड होकर गिर गया ना। ये आप जो देख रहा है ये सिर्फ 10% दिख रहा है, 10% है, क्योंकि बच्चा होने के बाद फिट करने के लिए और शरीर टूट जाने के लिए, हाँ। इसका बॉडी टेम्परेचर हाई रहते के लिए ये थोड़ा मोल्ड हो जाता है, मोल्ड हो जाता है। आप लोग देख सकते हो, ऐसे घुमा दीजिए, सीधा कर दीजिए, आप लोग देख सकते हो बहुत प्यारी है। लेकिन लाइक और इसका एज कितना है भैया? इसका एज अभी 2.5 साल हुआ है। कम यार, काम। बहुत सुपर एक्टिव है, जैसे आप लोग देख सकते हो भाग गए।
तो लाइक जैसे भैया ने पहले भी बताया था बहुत प्यारी है, बहुत एक्टिव है, तो इसका 2.5 साल है ना, और ये फर्स्ट लीटर है इसका, ये फर्स्ट लीटर, फर्स्ट लीटर, छह बच्चे हुए थे और बच्चे भी दिखाएंगे तो आप लोग देख सकते हो। काम 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 बुफे बुफे कम के बुफे को, और बहुत प्यारी है, उसको अभी कोई उतना इंटरेस्ट नहीं तो उसको जाने देते हैं। तो और भैया जो बच्चे हो रखे हैं उनका वैक्सीनेशन कंप्लीट है, फर्स्ट वैक्सीनेशन? हाँ, फापी डीपी फिलहाल अभी कल से शुरू हुआ है, हम एक साथ नहीं करते क्योंकि मेरा पापी डीपी और वैक्सीनेशन जो कार्ड होता है वो डॉक्टर के पास से रजिस्टर करने के लिए उन्होंने बोला कि एक दिन दो दिन से पर डे दो बच्चे को दो बच्चे करके पापी डीपी करने के लिए मैंने स्टार्ट हो गया ना। हाँ, स्टार्ट हो गया, मैंने जो भी आपसे बच्चे लेंगे उसको वैक्सीनेशन कार्ड आपको, वही वैक्सीनेशन कार्ड और डीवर्मिंग भी आप करवा। हाँ, डीवर्मिंग भी अप टू डेट है। अच्छा, तीन डीवर्मिंग ऑलमोस्ट हो चुका है, डीवर्मिंग हो चुका है, तीन डीवर्मिंग, तो ये सब अपडेट मिल जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ जहाँ से भी आप पापी लेते रिस्पॉन्सिबल आदमी से लीजिए, रिस्पॉन्सिबल कैनल से लीजिए, तो इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी से लीजिए। आप लोगों से बहुत कोई का डीएम आता है भैया मैंने कहीं से हस्की लिया, बिगल लिया, वो मर गया एक दिन के बाद, क्यों होता है? क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल आदमी से नहीं ले रहे, थोड़ा सा पैसा बचाने के चक्कर में इतना मेंटली भी हैरेसमेंट आपको होता है और फिजिकली तो होता ही है। तो देखिए ये है, क्या नाम बताया भैया इसका? इसका नाम है बूफी। बूफी बूफी देखिए तो सामने से देखिए, एम्बर आइज में, अगर आप लोग मैक्सिको जानते सेम टू सेम वैसी है, बहुत प्यारी है बूफी, तो मुझे मैक्सिको याद आ गया इसको देख के। तो भैया चलिए एक पपीज देखे, पपी दिखा रहा है, पपीज को बुलाते हैं, और पपीज देखने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए आपको क्या पसंद आ रहा है इस वीडियो में। तो दोस्तों आप लोग इसी के लिए वेट कर रहे होंगे मुझे पता है, तो भैया टोटल कितने पपीज एक बार फिर से बता दीजिए? अभी फिलहाल 5 पपी अवेलेबल है, 5 पपीज है ना, 1 मेल और 4 फीमेल ना। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कितने ज्यादा सुपर एक्टिव और कितने ज्यादा बदमाश है सब। देखिए मेरे गोदी में नहीं है, बहुत एक्टिव है। तो भैया फिलहाल कितना एज हो रहा है इन लोग का? ये आज के डेट में 47 डेज है, 47 डेज एज हुआ है ना। और वैक्सीनेशन लाइक अभी चल रहा है? वैक्सीनेशन कल से शुरू हुआ है, पापी डीपी का वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। जो भी आपके पपी ले जाएगा सब वैक्सीनेशन करके देंगे है ना, फर्स्ट वैक्सीनेशन करके देंगे पापी डीपी। और लाइक कितने गोलू मुलू सब पपीज है, तो सारे बच्चे उलीकोट में आएंगे ना? सब बच्चे उलीकोट पे हैं। और लाइक मैंने कितने ब्लू आईज में, लाइक मुझे तो दिख रहा सभी ऑलमोस्ट ब्लू आईज में है ना? नहीं, एक एम्बर आई है। अच्छा, एम्बर और एक ब्लू और एम्बर है, एक ब्लू और एम्बर है ना। और आप लोग देख सकते हैं बहुत। अब फिलहाल पपीज क्या खा रहे हैं? ये है ब्लू और एम्बर, मैंने ऑड आईज में ना, तो सामने से एक बार दिखा दीजिए एम्बर आईज को, बहुत प्यारी। ये ऑड एक एक चोक एम्बर है और एक ब्लू है। ब्लू है तो ये क्या फीमेल है जो एम्बर? हाँ, वो फीमेल है ना। और एक आपने बताया जो एम्बर आइज में, वो क्या? वो भी फीमेल है? वो भी फीमेल है ना। मेल जो है वो पूरा प्योरली ब्लू आइज, ब्लू आइज में। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत प्यारे प्यारे गाइज, अगर आपको चाहिए थे प्यारे प्यारे हस्की तो नीचे भैया का नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप लोग जल्दी से कॉल करिए। क्या कर रहे हैं आप लोग इतना देर से? और भैया लोग खा क्या रहे फिलहाल अभी? ये फिलहाल अभी 3 times आपका ये फीडिंग करते हैं। अच्छा, 3 times और 3 times में 2 times रॉयल कैनल स्टार्टर और 1 time चिकन राइस विद वेजिटेबल। चिकन राइस भी आपने स्टार्ट कर दिया? हाँ, कर दिया। तो अगर आप लोग घर पे ले जा रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं हो खाने में? नहीं, ये खुद फीडिंग करता है, खुद फीडिंग कर रहा है, खुद फीडिंग कर रहा है। आप एक बार कोड कंडीशन मेरे घर में जब आएंगे हम खुद दिखा भी देंगे कि ये खुद फीडिंग कर रहा है। और लाइक कई बहुत अच्छा उलीकोट में, लाइक ऐसा नहीं जो बहुत सारा होता है ना सेमी उली को उली बोल के बेच दिया, ऐसा नहीं, सच में बहुत अच्छा। तो भाई आपने प्राइसिंग क्या रखे इतने अच्छे अच्छे पपीज का, लाइक एक बार थोड़ा सा अप्रॉक्स आइडिया अगर आप दे पाए तो? फीमेल में फीमेल का प्राइस रखा है 35,000। अच्छा, और एक ही मेल है वो 40 में फीमेल मेल में रखा है। तो ये मेल है ना? हाँ। आप लोग देख लीजिए मेल बहुत प्यारा है, एक बार पास से देखो। सभी का वेट अभी फिलहाल 5.5 केजी के अप है, 5.5 केजी प्लस हो गया। हाँ, क्योंकि 4-5 दिन पहले जो हमने जो 4-5 दिन 6-7 दिन पहले जो हमने जो वेट करके डीवॉर्मिंग किया उसी टाइम का रिपोर्ट आपको दे रहा हूँ। तो गाइस आप लोग देख सकते 5.5 केजी के ऊपर सब हो गया, लाइक 5.5 केजी के ऊपर ही है सब। इसीलिए मैं हमेशा बोलते हैं कि रिस्पॉन्सिबल
मीन्स आप अगर ब्रीड ले रहे हो तो ये तो एक दो साल का बात नहीं, 15 साल आपके साथ रहेगा, तो एक रिस्पॉन्सिबल जगह से आप लोग लीजिए और बहुत अच्छे इसका बोन्स क्वालिटी आप देख के पता चल जाएगा इसका वेट कितना हो सकता है, बोन क्वालिटी इसका बोन्स क्वालिटी आप देख लीजिए। और कोई अगर यहाँ पे घर पे आके पपीज मदर देखना चाहे तो पॉसिबल है ना, आके देख सकते हैं। हाँ, तो हम भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप खुद मेरा घर में आइए, देखिए मदर को देखिए, पपी को देखिए, मेरा घर देखिए कि कैसे उसको टेक केयर करते हैं, होम ब्रीड के। और भैया अभी 500 बुकिंग के लिए अवेलेबल है, अभी फिलहाल अवेलेबल है 500 बुकिंग। और कितने डेज का, लाइक अभी अगर कोई चाहे तो ले जा सकता है ना? अभी चाहे से ले सकता है, क्योंकि ये खुद फीडिंग कर सकता है, वैक्सीनेशन भी ऑलमोस्ट हो गया, तो आप लोग ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग आइए भैया के पास। और अगर कोई अगर यहाँ पे नहीं आ सकता, कोई हमारे दोस्त अगर बाहर से देख रहे हैं, तो ऑल इंडिया डिलीवरी आप करवा सकते हैं। हाँ, ऑल इंडिया डिलीवरी हम करा सकते हैं, लेकिन डिलीवरी चार्जेस अलग देना पड़ेगा, ऑब्वियसली अलग लगेगा। तो अगर आप कहीं से भी देख रहे हैं तो ऑल इंडिया डिलीवरी पॉसिबल है, आप लोग कॉल करके बाकी बात आप भैया से कर सकते हैं। एक दो पपीज आपको दिखा देते क्लोज से, इसका एक बार मार्किंग पे एक बार ध्यान दीजिए, लाइक ऑलमोस्ट सबका मार्किंग ऐसा ही है वो मेल को छोड़ के। तो देखिए बहुत अच्छा, जो आप लोग बोलते त्रिशूल मार्किंग चाहिए आपको, वो ऐसा टाइप का ही, देखिए थोड़ा एक्चुअली बहुत एक्टिव है तो खाने में प्रॉब्लम हो रहा है। और भैया जैसे कि आप बता रहे थे ये लोग का पॉटी एंड टॉयलेट ट्रेनिंग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम, तो आप तो देखा रहे कि एक वहाँ पे कपड़ा है तो वहाँ पे कपड़ा था, तो कपड़ा था तो वहाँ पे ही जाके वो टॉयलेट किया और ऑलमोस्ट उसका तो लंच कंप्लीट हो गया। और उसके बाद आपके यहाँ पे तो 20-25 मिनट तो ऑलमोस्ट हो गया, देखिए आप पूरा फ्लोर में किसी भी जगह में नहीं किया सिवाय वहाँ पे जो कपड़ा में ही किया है। अब बाकी अगर कोई अगर आपसे पपी ले रहा है फर्स्ट टाइम, तो उसको तो आप गाइड कर देंगे कैसे क्या करना, पूरा गाइड हम रिक्वेस्ट करते हैं जो हमारे पास से पपी लेता है, तो हम उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके घर में जाके किसी का पपी का कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी इशू होगा तो फर्स्ट टाइम मेरे को कॉल कीजिए, उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाइए। मीन्स इनिशियली जितना भी आपका एक्सपीरियंस उतना से आप हेल्प करते हैं सब और ऑलमोस्ट उससे उसका प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाता है, डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ता, जाने का जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि जितना टाइम आपने इसको नेचुरल में रखेंगे विदाउट मेडिसिन उतना ही पापी स्ट्रेंथ होगा। और शुरू से पहले 6 मंथ्स पापी का इम्यूनिटी हाई हो रहता है तो वो बाद में भी उसका कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो गाइस आज के लिए इतना ही था, लाइक आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको हस्की पपी चाहिए उलीकोट में तो आप लोग भैया को कॉल करके इंक्वायरी ले सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा टेक केयर, बाय बाय।